हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइन एंड फाइन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक, 1 से लेकर 9 महीने तक उसकी बॉडी में कभी फिज़िकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी हार्मोनल चेंजेस, कभी कोई सिम्टम्स देखने को नज़र आते हैं, कभी कोई सिम्टम्स। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा बेबी पेट में खतरे में है। तो ऐसे वो कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें, अवॉइड ना करें, अपने डॉक्टर से तुरंत विज़िट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी प्रेग्नेंट वूमेन। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट गेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम्स है हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आना, सूजन आना, हाथ पैरों में सूजन आना, फेस पर सूजन आना, आँखों तक सूजन पहुंच जाना। देखिए, अगर सूजन आपके पैरों में है, वो भी थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बेबी का ग्रोथ इतना हो जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है, तो आपका वेट बढ़ जाने की वजह से आप अगर थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है। तो इतना चल सकता है कि अगर आप अपने पैरों के नीचे पिलो लगा रहे हैं, माइनर है और वो सुबह तक उतर जाती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपको सूजन जैसी एक मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत विज़िट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पूरे बॉडी में सूजन आ रहा है। क्योंकि सूजन का आना हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है, आपका प्रोटीन इम्बैलेंस हो सकता है, और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत आ सकती है। फिर आपको जो अगर इम्बैलेंस प्रोटीन होगा तो आपका बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है और साथ में आपके बच्चे को भी खतरा बन सकता है। तो अगर आपको अपने पूरी बॉडी पर स्वेलिंग जैसी सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत विज़िट करें। फ्रेंड्स, सिम्टम है वॉमिटिंग। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, नॉजिया जैसी प्रॉब्लम होना आम बात है। लेकिन थिंग आपको अनलिमिटेड, जैसे आपको दिन में 10 से 12 बार 15 बार वॉमिटिंग हो रही है तो ये डिहाइड्रेशन भी कर सकता है आपको, आपको पानी की कमी ला सकता है और आपके बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम ला सकता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग इतना ज़्यादा है कि अनलिमिटेड है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत विज़िट करें, इसमें देरी ना करें। क्योंकि वॉमिटिंग का होना मीन्स अगर आप जो भी कुछ खा रहे हैं वही आपका वॉमिट हो जा रहा है तो आपका बच्चा कैसे मतलब बन पाएगा, इम्पॉसिबल है बच्चे का ग्रोथ होना। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा जब तक बच्चा नहीं बन पाता है, क्लॉट साइज़ में होता है, तो उसके मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वॉमिटिंग अगर 3 से 4 बार होता है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको 10 बार 8 बार वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करें और इसे नज़रअंदाज ना करें। थर्ड सिम्टम है पेट होना। देखिए, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको पेट दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा है, सेवियर है, पहले 3 महीने में एक साइड अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, कई बार दर्द में बेहोश भी हो जाते हैं, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा यूट्रस में चिपका हुआ हो। तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये लक्षण दिखाई देता है तो शुरुआत में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि शुरुआत में ही इस डॉक्टर इस पर एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो माइनर प्रॉब्लम आपको लगती है वो बाद में मेजर बनकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये सिम्टम भी बच्चे का खतरे में होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। नेक्स्ट है बच्चे का मूवमेंट। देखिए, जैसे ही किसी लेडी को बच्चे के मूवमेंट थर्ड मंथ के लास्ट में शुरू होते हैं, किसी को फोर्थ मंथ के स्टार्ट में, किसी को फोर्थ के लास्ट में, किसी को फिफ्थ के लास्ट में, तो देखिए जब
स्टार्ट हो जाते हैं आपके बच्चे के मूवमेंट, तो उसके बाद आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जब आपका आठवां या नौवां महीना चल रहा है तो आठवें महीने में आपको बहुत ध्यान रखना है अपने बेबी के मूवमेंट्स का। जैसे ही आपको अपने बेबी के मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी में कमी लगे तो आप अपने डॉक्टर से विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका बच्चा पेट में खतरे में है। नहीं तो आप एक काम कर घर पर भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप ठंडा पानी पीकर और लेफ्ट साइड लेटकर बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि बाएं साइड लेटकर बच्चे का मूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर बच्चे का मूवमेंट बाएं साइड लेटने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत विजिट करें। नेक्स्ट सिम्टम है तेज़ सर दर्द होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर जब नॉर्मल हमारी लाइफ होती है उसमें आपको तेज़ सर दर्द हो रहा है तो वो आपकी नॉर्मल लाइफ है, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके सर में बहुत ही अनबियरेबल दर्द है तो आप इसे अवॉइड ना करें, आप अपने डॉक्टर से तुरंत विजिट करें। नेक्स्ट सिम्टम है आपका वेट ना बढ़ना। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर की ख़त्म होने पर भी, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान भी, तो इसका मतलब आपकी बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये आपका अबॉर्शन का एक रीज़न बन सकता है। तो 7, 8, 9 मंथ में मतलब वेट गेन अच्छे से होता है उस टाइम, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ होता है। तो अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से अपने ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लीडिंग होना। अगर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है आपको तो ये आपका एक मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है, आप अपने डॉक्टर से तुरंत विजिट करें। और अगर आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ब्लीडिंग हो रही है तो इट मीन्स ये प्लेसेंटा का कोई इशू है, प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, आपकी इनमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करें। इनको माइनर समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये माइनर प्रॉब्लम बाद में मेजर बन जाती हैं। तो ये सभी सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको फ्रेंड्स बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नज़रअंदाज ना करें। और देखिए प्रेगनेंसी के हमारे 9 महीने होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 9 महीने बहुत खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हेल्दी रहो, अपने आप को भी हेल्दी रखो, बेबी को भी हेल्दी रखो। हालांकि हमारी कई बार फैमिली की सिचुएशन सरकमस्टांसेस एंड कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं, बट ट्राई टू बी हैप्पी कि हम हैप्पी रह सकें। अपने आप को हैप्पी रखो, बच्चे को हेल्दी रखो, जिससे कि हमारी डिलीवरी स्मूथ हो और हमारा प्रेगनेंसी टाइम बहुत अच्छे से निकले। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।